नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ, तो चलिए देख लेते हैं कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाऊंगी पुटी माचर चौचुरी। तो पहले मैंने यहाँ पर जो ये मछली है, इसे बंगाली में पुटी माच कहा जाता है, मैंने इसे अच्छे से कट करके फिर मैंने इसे अच्छे से धो के थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक से मैरिनेट करने के बाद इसे मैंने यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। अगर आपको ये वाला मछली नहीं मिलता है तो कोई भी छोटी मछली से आप इसे बना सकते हो, या फिर अगर आपको कोई भी छोटी मछली नहीं मिलती है तो आप बड़े मछली से भी बना सकते हो, वो ऐसा ही टेस्ट उसका वैसे भी अच्छा आएगा। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। और एक बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये जो रेसिपी है मैं बहुत ही कम तेल में बनाऊँगी, क्योंकि हम डेली यूज़ जो हम करते हैं खाने में, जो हम डेली खाते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा तेल ऐड नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा कम तेल से आपको ये बना के दिखा रही हूँ कि कैसे बनता है। यहाँ पर मैंने उसी तेल में 2 सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा एक चम्मच, करीबन एक चम्मच जीरा मैंने यहाँ पर ऐड किया है। जैसे ही ये थोड़ा भुन जाता है उसके बाद मैं इसमें करेला ऐड कर दूंगी, जो कि हमने राउंड शेप में कट करके रखे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, मीडियम साइज में हमने इसको कट कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस रेसिपी में करेला मैं इस यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो सब्जी है वो कड़वा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इससे करेले से सब्जी का स्वाद जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा, एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। जैसे ये करेला थोड़ा सा फ्राई हो जाता है उसके बाद में एक एक करके मैंने जो वेजिटेबल्स कट करके रखे हैं वो मैं इसमें ऐड करते जाऊँगी। देखिए यहाँ पर जो है करेला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें कट किए हुए आलू ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर आलू भी लंबे साइज में कट करके रखे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा मैंने कट किया है, ना ही ज़्यादा पतला मैंने यहाँ पर कट किया है। जैसे हम फ्रेंच फ्राई के लिए आलू कट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर आलू जो है कट कर लिए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का सा, जस्ट थोड़ा सा फ्राई करना है। और जब भी हम कम तेल में कोई खाना बनाते हैं तो हाँ, फ्लेम को बहुत हाई में कभी मत दीजिएगा, इससे सब्जी जो है वो जल जाता है और ख़राब भी हो जाता है, अच्छा नहीं बनता है सब्जी। इसीलिए हमें जब भी कम तेल में हम बनाते हैं तो हमें फ्लेम को एकदम लो और ढक के पकाना होता है, इससे सब्जी जो है वो बहुत अच्छा बनता है। आलू भी यहाँ पर थोड़ा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ और मैं यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर यूज़ करूँगी, करके मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे मैं अब अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब ये मिक्स हो चुका है, अब मैं एक एक करके जितने भी वेजिटेबल्स हैं इसमें मैं ऐड करते जाऊँगी। मैंने यहाँ पर बैंगन और सेमी, यहाँ पर मैंने बैंगन और छेमी मैंने यहाँ पर कट करके ऐड किया हुआ है। छेमी को बंगाली में यहाँ पर छीम कहा जाता है, तो मैंने यहाँ पर जो छेमी और बैंगन को भी ठीक वैसे ही जैसे मैंने आलू को कट किया है उसी तरीके से मैंने इन दोनों सब्जियों को भी कट कर लिया है। अब हम थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसे कम से कम लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हम 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम में ढक देंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर। अब मैं इसमें कट किए हुए हरी मिर्च जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ। अब कश्मीरी, अगर आप तीखा कम खाते हो तो आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ पर। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा। अब मैं इसमें करीबन 1 चम्मच जो है मैं यहाँ पर जीरा पाउडर यूज कर रही हूँ। जीरा पाउडर यूज देने के बाद अब हम थोड़ा सा इसको पहले मिला लेंगे सब्जियों को मसाले के साथ अच्छे से, उसके बाद हम फिर इसे 5 मिनट के लिए फिर ढक देंगे एकदम लो फ्लेम में।
यहाँ पर हमने 5 मिनट के बाद फिर इसे ढक्कन निकाल के हमने इस पर थोड़ा सा बिल्कुल हाफ टी स्पून यहाँ पर हमने शुगर ऐड किया है, चीनी ऐड कर दिया है हाफ टी स्पून। इसे हम थोड़ा सा मिलाएंगे। अब हम इसमें बहुत ज़्यादा हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करीबन इसमें हाफ़ कप, बड़े कप का हाफ़ कप हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे, जिससे कि ये जो सब्ज़ी है वो थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैंने यहाँ पर फिश और सब कुछ मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, थोड़ा धनिया पत्ता भी मैंने ऐड किया है यहाँ पर। ये देखिए ये रेसिपी मेरी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आज के लिए बस यही तक, तब तक के लिए नमस्ते।